हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल छाया टेलर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बॉटनेक ब्लाउज की डिज़ाइन कटिंग करना बताएंगे, तो पीछे हम इसकी डिज़ाइन भी डालेंगे। यहाँ पे हमने ये जो हमारा नाप है उसका हमने ब्लाउज लिया हुआ, पहले हम इसका नाप लेंगे फिर हम बॉटनेक ब्लाउज बनाएंगे, यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो पहले हम नाप ले रहे हैं, तो पहले हम इसका उल्टा रख के इसकी लंबाई हम चेक करेंगे कि लंबाई हमारी कितनी है। तो लंबाई हमारी आ रही है यहाँ पे 14 इंच। अब हम इसका सीना देखेंगे, तो सीना हमारा यहाँ पे आ रहा है 20, तो हम इसका डबल करेंगे यहाँ पे, तो आएगा हमारा 40। और कमर आ रही है हमारी 17, 17 का हम जब डबल करेंगे तो हमारा 34 यहाँ पे कमर है हमारी। अब जी गला है, गला यहाँ पे बॉटनेक है, तो यहाँ पे गला हमें डीप बनाना है। आगे का हमें इतना ही बड़ा, पीछे का जी हमें गला इतना ही बड़ा रखना है 5 इंच का, लेकिन हमें पीछे यहाँ पे डिजाइन डालनी है। जो नीचे यहाँ पे हम डिजाइन डालेंगे, दूसरे जो ब्लाउज की कटिंग करेंगे, बाजू की लंबाई है 4 और गोलाई है यहाँ पे 7 इंच। तो यहाँ पे पहले आप नाप ले लीजिए, जो आपका नाप हो पहले आप उसका नाप लीजिए अच्छी तरीके से, फिर हम कटिंग करेंगे। तो ये अस्तल का फैब्रिक है, पहले हम अस्तल पे कटिंग करते हैं फिर हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करते हैं। तो अपने तरफ हमने बंद हिस्सा रखा है और दूसरी तरफ हम खुला हुआ हिस्सा रखेंगे। पहले हम अस्तल को बिल्कुल अच्छी तरीके से आप यहाँ साइड करके बिछा लीजिए, फिर इस पर हम कटिंग करेंगे। तो हम लंबाई पहले करेंगे, तो लंबाई हमने नापी थी जो ब्लाउज की, वो आई थी हमारी 14, तो 1 इंच में प्लस करेंगे हम, 15 पे टिक लगाएंगे। अब शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर हमें बॉटनेक में ज़्यादा ही रखने पड़ते हैं, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 7.5 इंच। यहाँ पे शोल्डर हम ले रहे हैं 7.5 इंच। यहाँ पे 7.5 इंच हमने शोल्डर लिए हैं। अब यहाँ पे हम एक और टिक लगा लेंगे 7.5 इंच का, एक हमने और निशान यहाँ पे लगाया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे आर्म होल होंगे, अब वहाँ पे 1 इंच हमने यहाँ पे आर्म होल डाउन किए हैं। यहाँ पे पहले हम डाउन कर लेंगे, फिर हम यहाँ से जो डाउन का निशान लगाया वहाँ से हमने 6 इंच यहाँ पे आर्म होल लिए हैं। और सीना हमारा है चौथा हिस्सा लेंगे, यहाँ पे 10 इंच और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा इसमें मार्जिन रखा है। और नीचे हम लेंगे 8.5 इंच और 1 इंच डॉट के लिए, और 1.5 इंच यहाँ पे हम लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन, और 1 इंच से हम यहाँ पे आर्म होल की गोलाई कर देंगे। यहाँ पे आर्म होल की आप गोलाई दे दीजिए। अब यहाँ पे हम गला पहले नापेंगे, तो गला की जो चौड़ाई हम कर रहे हैं वो यहाँ पे ले रहे हैं हम 4 इंच। आप 3.5 इंच, 4 इंच, 4.5 इंच से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, 4.5 इंच तक यहाँ पे गला फैला सकते हैं। तो हमने यहाँ पे गले की जो लंबाई रखी है वो रखी है हमने यहाँ पे 4.5 इंच, और एक हम बॉक्स बना लेंगे। अब जो हम यहाँ पे गोलाई देते हैं, गोलाई हम देंगे यहाँ पे 1.5 इंच से, नीचे से हम जो गोलाई देते हैं, जैसे आर्म होल में हम 1 इंच से गोलाई देते हैं, यहाँ पे हम दे देंगे 1.5 इंच पे गले की, और यहाँ पे हम ऐसे डिजाइन बनाएंगे। अब हमने ये मार्किंग कर ली है, अब हम यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था शोल्डर का, उसको हम डाउन वाले निशान पे इसको मिला लेंगे। पहले गले का निशान और शोल्डर का निशान यहाँ पे हम ऐसे मिला लेंगे, इसको जो हमने डाउन किया था उसके उसको यहाँ पे हमें मिलाना है, और फिर इसकी हमें कटिंग करनी है। इसकी कटिंग कर ली है। अब जो हमारा कपड़ा बचा है अस्तल का, उसको हम यहाँ पे बिछा लीजिए आप, और जो हमने बैक पार्ट यहाँ पे कट किया है उसको हम यहाँ पे रख के मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम आगे का ओपन बनाएंगे, आगे से ओपन खाई वाला, और नीचे से
यहाँ पे लेंगे हम नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे कपड़ा, जो हमारी डॉट डलेंगी 4 डॉट वाला ब्लाउज यहाँ पे बनाएंगे, आगे से ओपन और 4 डॉट। और पहले हम इसकी मार्किंग कर लेंगे बिल्कुल, और फिर कमर की तरफ से हम यहाँ पे लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो हम डॉट के लिए लेंगे, और आर्म होल की तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसको हम पहले पूरी मार्किंग करेंगे इसकी। अगर हम ये फ्रेंड्स, अगर हम ये कपड़ा नहीं ले रहे हैं एक्स्ट्रा आगे के पार्ट में, तो हमारे आगे का पार्ट यहाँ पे छोटा पड़ जाता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको लेना पड़ता है। पहले इसकी हम कटिंग कर लेंगे। आगे का पार्ट हमारा अब कट हो गया है। अब यहाँ पे हम पहले गले की मार्किंग करेंगे। तो गला हमने पीछे का लिया था बैक पार्ट में 4 इंच, तो आगे का भी हम 4 इंच लेंगे। और यहाँ पे लंबाई है 7 इंच गले की आगे की, और नीचे से भी हम 4 इंच लेंगे यहाँ पे, और एक बॉक्स बनाएंगे। और यहाँ पे हम गोल गला कर लेंगे। यहाँ पे हम गोल गला ड्रॉ कर लेंगे, और आर्म होल को यहाँ पे हम छांटेंगे, तो आर्म होल की हम गहराई दे देंगे यहाँ पे। पहले हम गले की कटिंग कर ले रहे हैं, फिर हम आर्म होल को यहाँ पे छांटेंगे। यहाँ पे छाट दिया। अब हम यहाँ पे जो हमारी 4 डॉट पड़ते हैं, अब हम यहाँ पे डॉट डालेंगे, निशान लगाएंगे डॉट के। तो यहाँ पे लिया है हमने 4.5 इंच, ऊपर से हम लेंगे यहाँ पे 11 इंच, 11.5 इंच हम यहाँ पे ले रहे हैं 11 इंच। यहाँ पे हम कर लेंगे, अब 2-2 इंच का हम यहाँ पे गैप देंगे। अगर आप ऐसे निशान नहीं लगा पा रहे हैं अंदाज से, तो आप यहाँ पे 2-2 इंच का गैप दे दीजिए। यहाँ पे 2-2 इंच का हम गैप दे देंगे हर डॉट में, और जो हमारी डॉट डाली है उन पे सब पे हम कट लगाएंगे, जो दूसरे पार्ट में भी हमारी अच्छी तरीके से हो जाए, बिल्कुल बराबर डॉट पड़े, इसलिए हम यहाँ पे कट लगा लेंगे पहले। हमने यहाँ पे डॉट के निशान लगा लिए हैं। अब हम बैक पार्ट लेंगे, बैक पार्ट में भी हम डॉट का निशान लगा लेंगे। 4 इंच हमने चौड़ाई में लिया है, 4 इंच हमने यहाँ पे लंबाई में लिया है। यहाँ पे डॉट के निशान लगा लीजिए। जब हम सिलाई करेंगे तो बाद में हमें डॉट डालनी पड़ेंगी। यहाँ पे हमने कट लगा लिए हैं, तो बैक पार्ट में भी यहाँ पे हमने कट कर लिए हैं। तो यहाँ पे अब हम बाजू कट करेंगे। तो बाजू यहाँ पे डबल कपड़ा है, तो अपनी तरफ हम फोल्ड वाला हिस्सा रखेंगे, दूसरी तरफ हम खुला हुआ हिस्सा रखेंगे। और नीचे से यहाँ पे हमारी 5 इंच की बाजू तैयार निकल आएगी, 6 इंच हमारा कपड़ा है। नीचे से हम 2.5 इंच यहाँ पे 2.5 इंच पे डाउन कर देंगे, और इसकी कटिंग कर लेंगे। छोटी बाजू हम ऐसे ही कट कर लेते हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। अब जो बाजू हमारे यहाँ पे छोटी पड़ेंगी, तो जो हमारा कपड़ा निकला है इसमें, वो यहाँ पे हम जॉइंट डाल देंगे, तो यहाँ पे हमारी पूरी हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम थोड़ी छांटेंगे आगे की तरफ, जो हम छांटते हैं बाजू को, तो यहाँ पे हम छांट देंगे बाजू को।
यहाँ पे हम छांट देंगे। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम यहाँ पे बिछाएंगे, उल्टा करके आप बिछाएं यहाँ पे डबल फोल्ड और उल्टा हम यहाँ पे करेंगे। कपड़े को यहाँ पे हम बिछा लेंगे। और फिर जो हमने यहाँ पे पार्ट कट किए हैं उनको हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो नीचे हमारा बॉर्डर है तो बॉर्डर से हम पहले बैक पार्ट यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हम बैक पार्ट यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे इसको। और आगे के पार्ट हमने जो कट किया उनको भी यहाँ पे हम सेट करेंगे। आगे के पार्ट भी हम यहाँ पे रख लेंगे। तो ऐसे करके आप इसको सेट कर लीजिए यहाँ पे। और बाजू को भी हम सेट कर लेंगे, जो हमारा बॉर्डर है तो बाजू को हम उधर सेट करेंगे यहाँ पे। लला कट कर लेंगे यहाँ पे हम। और एक्स्ट्रा ही कपड़ा हम कट करते हैं इससे कि हम जब जॉइंट करें अस्तर को मेन फैब्रिक तो हमारा अच्छी तरीके जॉइंट हो जाए और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकले उनको हम यहाँ पे कट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कट कर लेंगे। अब जो इधर की तरफ हमारा बॉर्डर है इसलिए बाजू को हम यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे हम बिछा लेंगे और कट कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसी सिलाई से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।